Everybody, what's up? See, Anika is with me. Anika, want to say hi. Hi. Hi, guys. So, welcome back to our channel, Happy Mommy Vlogs. और ये हम मम्मा बच्चा का चैनल है. And आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सा वीडियो. है ना अनिका, क्यूट सा वीडियो. टाइटल आपने पढ़ लिया है तो आपको पता चल गया कि आज का वीडियो क्या होने वाला. तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो बहुत एक्साइटेड हो गई यार. हैप्पी मम्मी ब्लॉग से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगी बेल आइकन को क्लिक करिए चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए. सो आज का ये वीडियो है फर्स्ट क्राई हॉल और इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ सॉफ्ट टॉयज कि मैंने firstcry.com से सॉफ्ट टॉयज क्या क्या परचेज किया. अभी तक मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की शॉपिंग मैंने करी और आपको स्टफ भी दिखाए हैं हॉल्स में. बट आज का ये हॉल बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने फर्स्ट ट्राई से कौन कौन से सॉफ्ट टॉय परचेज किया. आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इनके वीडियोज देख के कि ये वाला सॉफ्ट टॉय मैंने, ये टेडी मैंने कहाँ से लिया है, वो वाला कहाँ से लिया, कितने का मिला है नॉल. यस बेबी अनिका, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगी विद प्राइस. एंड अगर मुझे पॉसिबली अगर वो लिंक मिल गया तो मैं आपको सारे लिंक भी शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर के आप परचेज भी कर सकते हैं. वन मोर थिंग आई रियली वॉन्ट टू शेयर कि आप जब भी सॉफ्टवेयर परचेज करो ऑनलाइन तो प्लीज़ उसके रिव्यूज एंड रेटिंग्स जरूर चेक कर लीजिएगा. ऑल्सो कंपेयर कर लीजिएगा अदर वेबसाइट पर सेम ब्रांड को कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है और क्या ये वाकई आपके लिए लेना सही है कि नहीं. एंड अभी तो लाइक अभी कोरोना एंड और का जो सीन चल रहा है बाहर, तो बाहर से जाकर कोई भी स्टफ लेने लायक नहीं है, सेफ नहीं है. तो बेटर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन परचेज कर लें क्योंकि उससे आप अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर सकते हो एंड फिर उसके बाद में यूज़ कर सकते हो. तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या स्टफ परचेज किए. तो जो सबसे ज़्यादा क्यूट स्टफ है अनिका की टेडी कलेक्शन का, अनिका के पास बहुत सारे टेडी हैं बट मैं सिर्फ firstcry.com की टेडीज ही आपको दिखा रही हूँ. सो ये है पहला टेडी, आप देख रहे हो कि कितना बड़ा है मिल्की माउस. एंड ये है अनिका और ये है अनिका का मिल्की माउस. ये अनिका को बहुत पसंद है एंड दिस इज फ्रॉम डिज्नी ब्रांड. ये हमने लिया था फर्स्ट क्राई से और ये अनिका के आने के पहले की परचेज है हमारी, मतलब अनिका उस समय नहीं थी, ये तब की परचेज है. ये सबसे पहले परचेज थी हमारे टेडी में तो हमने तब लिया था और ये डिज्नी ब्रांड का है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल भी है. डिज्नी के स्टफ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी होते हैं. एंड आप देख सकते हो कलर वाइज एंड इसका शेप एंड इसका स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत क्लियर है. सो बाकी इसकी डिटेल्स जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. सो ये मिकी माउस का प्राइस था समथिंग 3,600 or 700 rupees इसका प्राइस था. एंड उस समय कुछ सेल चल रही थी जब हमने ये परचेज करी थी एंड हमें ऑलमोस्ट 10 to 15% आई गेस 10% ऑफ इस पर मुझे मिल गया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्योंकि जनरली हम देख करके लेते जिस दिन सॉफ्ट टॉयज पे सेल आती है हम उस दिन सॉफ्ट टॉय परचेज करते हैं, जिस दिन टॉयज पे सेल आती है ना उसी दिन हम फर्स्ट प्राइस से टॉयज एंड सॉफ्ट टॉयज परचेज करते हैं. तो ये हमने तब लिया था वहाँ से एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल डील थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग डील भी थी. ना इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टेडी पे. इसके बाद है ये वाला नेक्स्ट टेडी एंड आपने ऑलरेडी इस टेडी को बहुत सारे वीडियोज में मेरे देखा होगा एंड व्लॉग्स में भी देखा होगा. इस टेडी को कहीं ना कहीं कोने मोने में बैठा रहता है ये बेचारा हमारा, पर ये बहुत क्यूट है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट एंड इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है. जनरली जब इस तरह के आप टेडी परचेज करते हो तो ऑनलाइन नहीं आते बट ये वाला बहुत अच्छा टेडी आया है, मैंने फर्स्ट प्राइज से लिया था. एंड ये है डिम्पी स्टफ ब्रांड का ये टेडी है और इस ब्रांड का जो टेडी है मैंने 2-3 टेडी परचेज की, मेरी फ्रेंड को भी गिफ्ट किया था सेम ब्रांड का टेडी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था. सो ये बहुत ही प्यारा ऑफ वाइट कलर का टेडी है, इसकी फिनिशिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दी काफ़ी अच्छी है. आप हाइट देख सकते हो इस टेडी की और ये देख सकते हो यहाँ पर इसके पैर है, यहाँ पर ये सब कुछ है. सो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड कोजी सा मटेरियल है इसका एंड ये बहुत रिजनेबल था, ये मुझे लगभग 600 to 700 की रेंज में रिसीव हो गया था. जो एग्जैक्ट सेल प्राइस होगा वो मैं डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा तो वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं.
ये हमने अनिका के सेकंड बर्थडे पे लिया था, यानी कि लास्ट ईयर लिया था, मई में ये हमारी ऑर्डर हमने किया था। तो ये काफ़ी अच्छा टेडी आया था और अनिका को बहुत पसंद भी आया ये टेडी, एंड वो बहुत ज़्यादा खेलती है इस टेडी से, सो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप भी चाहो तो इस तरह की टेडी ले सकते हो। अगर आपको और बड़े टेडी चाहिए तो आप सेम ब्रांड में बड़े साइज़ का टेडी भी ले सकते हो, जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, कोजी होते हैं, बड़ी बल्कि टेडी होते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। बट सेम ब्रांड का आप टेडी ले सकते हो, ये ब्रांड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, स्पेशली बच्चों के सॉफ्ट बॉयज़ के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टेडी है वो है ये वाला, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा ओलाफ है। अगर आपके बच्चे फ्रोजन कार्टून कैरेक्टर पसंद करते हैं, फ्रोजन की जो फेरी टेल है वो सुनना एंड देखना पसंद करते हैं, पहला उन्हें बहुत पसंद आएगा ये कैरेक्टर, ये फ्रोजन का कैरेक्टर ही उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये हमने लिया था firstcry.com से, व्हेन अनिका वाज फोर मंथ्स ओल्ड, ये तब हमने लिया था। एंड दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम डिज्नी, डिज्नी का ही है, फ्रोजन सीरीज का ये टेडी है। एंड मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, इसे मैंने बहुत ज़्यादा वॉश नहीं किया, स्टिल आप देख सकते हो कितना क्लीन है। जनरली व्हाइट कलर के टेडीज इतने क्लीन नहीं रहते हैं, बट ये बहुत क्लीन है। इन सारे टेडीज को वॉश करना बहुत आसान है, हम तो मशीन वॉश ही कर देते हैं डायरेक्टली इजी में, या फिर अनिका का जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है उसी से वॉश करते हैं, उसके बाद में धूप में सुखा देते हैं इसको, तो कोई डैमेज नहीं होता। जनरली लोग बोलते हैं टेडी का जो फैब्रिक होता है वो खराब हो जाता है, सॉफ्टवेयर खराब हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम मशीन वॉश ही करते हैं और उसके बाद उसको सुखा देते हैं। तो ये वाला भी बहुत रिजनेबल था, 500 अराउंड ये आया था, 500 to 600 के बीच में इसका प्राइस था, इस वाले टेडी का प्राइस था। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, कैरेक्टर आप देख रहे हो एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर है, बिकॉज डिज्नी का है तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही है, सो दिस इज वेरी क्यूट। इसके बाद एक और टेडी है ये वाला, और ये हमने अनिका के लिए लिया था व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, ये हमने तब लिया था, इसका ये हार्ट निकल गया है, और आई गेस उस टाइम पे जनवरी था, मेरे बर्थडे के अराउंड ही मैंने ये टेडी लिया था अनिका के लिए। सो ये बहुत ही प्यारा सा ग्रे कलर का टेडी है, फैब्रिक इसका देख सकते हो, फैब्रिक कितना ज़्यादा अच्छा एंड स्मूथ है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कोजी एंड प्यारा है। अनिका को ये टेडी बहुत पसंद है, इफ यू कैन सी अनिका को ये टेडी बहुत पसंद है, अनिका मुझे बिल्कुल भी देना नहीं चाहती उसका ये टेडी। सो मैं आपको दिखाती हूँ इस टेडी का और भी डिस्क्रिप्शन। ये जो टेडी है दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड माई बेबी एक्सल्स, इस ब्रांड का ये टेडी है, इस ब्रांड का टेडी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था अमेजोन हॉल, स्पेशली बच्चों के स्टफ के लिए, टॉयज एंड बुक्स के लिए, उसमें मैंने आपको एक मंकी दिखाया था, वो मंकी भी सेम ब्रांड का था, माय बेबी एक्सेल से, वो मैंने अमेजोन से लिया था। एंड इस ब्रांड का दोनों टेडी बहुत अमेजिंग है, मैंने एक फर्स्ट प्राइस से लिया, एक अमेजोन से लिया, एंड आप देख सकते हो दोनों क्वालिटी बहुत अच्छी। इस टेडी की जो प्राइस है वो अगेन 500 to 600 के बीच में थी, इस टेडी की जो प्राइस थी, एंड रेंज टू वॉइस तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसी रेंज में, इनफैक्ट इससे ज़्यादा रेंज में आपको मार्केट में मिल जाते हैं टेडी, बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी इसकी क्वालिटी आई है, तो डिस्काउंट काफ़ी अच्छे थे इसके ऊपर, अदरवाइज इसका ओरिजिनल प्राइस समथिंग 1000 अबव था इसका प्राइस, बट सेल के टाइम पर मुझे बहुत अच्छा मिल गया ये वाला टेडी। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टेडी है, या इसके बाद हमने परचेज किया था एक और टेडी, ये वाला, ये है पू कैरेक्टर। अगर आप के बच्चे ये कैरेक्टर पहचानते हैं, एंड पू एंड पिगलेट का कार्टून सीरीज़ है जो बच्चे देखते हैं, जनरली बहुत पसंद करते हैं, हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फेमस था, मुझे बहुत पसंद था। सो ये वाला हमने लिया था अनिका के लिए व्हेन अनिका वाज 3 months ओल्ड, और हम एवरी मंथ अनिका के लिए कोई ना कोई टेडी परचेज करते हैं, जो कि हमें एक तरीके से हमारी मेमोरीज में ऐड हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेडी या फिर कोई भी टॉय के थ्रू हम उस चीज़ को बहुत रिमाइंड करते हैं, बहुत याद आता है हमें। सो ये वाला हमने लिया था, दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड डिज्नी, ये भी डिज्नी का ही है, डिज्नी ब्रांड का ही है ये वाला जो टेडी है, ये भी डिज्नी ब्रांड का ही है। सो आप देख सकते हो कैरेक्टर कितना ज़्यादा ओरिजिनल लग रहा है, बिल्कुल भी डुप्लीकेट ही नहीं है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, एंड इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो ये वाला टेडी है, अगेन इसकी प्राइस थी 600 to 700 में, या फिर 600 के अंदर ही मुझे शायद ये रिसीव हुआ था ये वाला टेडी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डील थी, इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया था। सो आई रियली लव दिस वन, आप देख सकते हो कितना क्यूट सा पू है ये। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ये एनिमल कैरेक्टर है जो हमने लिया था firstcry.com से, एंड ये एक जिराफ है, यू कैन सी जिराफ, ऑफ कोर्स यू कैन सी। सो ये जिराफ हमने लिया था अनिका के लिए, बिकॉज पता नहीं उस समय मेरा क्या मूड था, मैं बहुत सारे टेडी ले ही रही थी, तो मैंने सोचा एक ये भी ले लूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा था, एंड परचेज करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका मटेरियल था। सो ये जो टेडी है, दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड सॉफ्ट बॉडीज़,
फ्रेंड्स फॉर एवर इस ब्रांड का ये टेडी है एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग है, जितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग उतना ही अच्छा इसका फैब्रिक भी है। अनिका को ये टेडी चाहिए, आप ले लो ये टेडी। सो इसकी प्राइस बहुत रिजनेबल थी, ये मुझे 400 to 500 के बीच में मिल गया था। ये वाला जो टेडी है, ये कैरेक्टर जिराफ वाला, ये 400 to 500 के बीच में मुझे रिसीव हुआ था, विच वॉज वेरी रिजनेबल एट दैट मोमेंट। देन इसके बाद मैं आपको एक टेडी दिखाने वाली हूँ, दैट वॉज जस्ट नॉट अ टेडी, ये एक बेबी सीट है, कैन सी ये वाला। ये वाला बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा ये मैंने कहाँ से लिया, कितने का आया, क्या था, सारी डिटेल्स मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछी। तो ये मंकी सीट, बेबी सीट है, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है एंड इसके बाद ये है पैर और ये नीचे रहा बॉटम साइड इसका। यहाँ पर एक जिपर दी हूँ जहाँ से आप इसकी जो भी अंदर स्टफ इसके अंदर फिल किया हुआ है, फिलिंग उसको निकाल करके आप इसे क्लीन कर सकते हो। ऑल्सो इसके टॉप पर भी आप देख सकते हो ये कुछ डिज़ाइन दी हुई है, अप्लीके दिया हुआ है एंड एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। तो इस तरीके से ये टेडी बहुत क्यूट सा मंकी सीट है एंड अनिका को ये बहुत पसंद है। आप अभी देख रहे हो कि अनिका बिल्कुल इस पर जंप कर रही है, उसको इतना पसंद है इस पर, अनिका बहुत जंप करती है। सो ये हमने लिया था अनिका के फर्स्ट बर्थडे पर, हमने ये सीट परचेज करी थी और अनिका इसे बहुत इन्जॉय करती है, इस पर बहुत बैठती है, खेलती है, एक साइड में हम इसे रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं, हमें से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो ये वाला जो स्टफ था ये बहुत अच्छी वाली डील थी। firstcry.com पे एक सेल आती है सॉफ्ट टॉयज के लिए, स्पेशली सॉफ्ट टॉयज के लिए सेल होती है, जिस पर कि 80 to 90% कभी कभी सेल आता है, अदरवाइज 60 to 80% हमेशा सेल होती है उस पर। एंड या फिर आप देखोगे टॉयज करके कोई सेल होगी, अभी भी हम्प्टी डम्प्टी सेल आई हुई थी, तो उस सेल में आप इसे परचेज कर सकते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे इस सेल में अगर आप टॉयज़ या फिर सॉफ्ट टॉयज़ परचेज करते हैं। तो मैंने उसी टाइम पे ये भी मंकी सीट परचेज करी थी एंड ये मुझे मिली थी 800 something रुपीज़ में, मुझे अंडर 900 ये मुझे सीट रिसीव हुई थी। इसका ओरिजिनल प्राइस था 1500 अबव था इसका प्राइस एंड जस्ट मुझे ये हाफ प्राइस में मिली थी। अच्छा एक और है छोटा सा टेडी जो मुझसे मिस हो गया था, जो अनिका ने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया एंड हो सकता है आपने किसी वीडियो में देखा भी हो, वो है ये वाला कैटरपिलर है। ये बहुत ही प्यारा सा कैटरपिलर है, इसका एक ये एंटीना अनिका ने निकाल के फेंक दिया। सो ये बहुत ही अच्छा कैटरपिलर था, ये अंडर 400 मुझे रिसीव हुआ था। इसका प्राइस, इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा अच्छा है, इफ यू कैन सी बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, उजी है। सो इसका जो ब्रांड है वो टैग मैंने निकाल के फेंक दिया, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे इसका लिंक मिलता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हो डिटेल्स, या फिर परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। नाउ firstcry.com से आप जितने भी बेबी स्टफ या फिर टॉयज या फिर सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, फिर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, वो आपको सेफ्टी गार्ड के साथ रिसीव होते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज होते हैं, वेल पैक्ड होते हैं, कहीं से कुछ फट रहा टूट रहा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लगता है firstcry.com, स्पेशली फॉर बेबी स्टफ। इवन मैं अपने स्टफ भी firstcry.com से ही मंगा लेती हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है स्किन केयर से रिलेटेड, तो वो भी वहीं से मंगा लेती हूँ अनिका के साथ ही। और भी अभी मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी जो मैं आपको अपकमिंग डेज में दिखाऊंगी firstcry.com से। हमने अनिका के लिए क्या क्या चीज़ें नई परचेज करी, मॉनसून आ गया है तो बहुत कुछ नया दिया हमने। सो गाइस दिस इज इट, एंड आई होप आपको आज का ये हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा एंड अपने जो भी कॉम्प्लीमेंट है, कॉमेंट्स है हमारे लिए, अनिका के लिए, मेरे लिए, वो आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो कमेंट आपका देख करके। सो अभी के लिए बस इतना ही और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।